हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज की वीडियो में जो है वो मैं सत्तानी और रेहाना बोस की ही वीडियो क्लिप्स डालने वाली हूँ। आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो है वो सायरा सत्तानी को रेहाना बोस ने धोया है और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। आप लोग खुद देख लीजिए, आगे वीडियो क्लिप्स मैं ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि पंगे खुद लेती है चाची 420, रेहाना बोस ने एक रैंडम जो है वो वीडियो बनाई थी और अपनी इंस्टा की फैमिली से पूछा था कि फैमिली आप लोग बताना कि मतलब जो भी है बच्चों या माँ बाप की इस तरीके से कोई बात थी, तो उसमें सायरा सत्तानी ने उंगली करी और उसका जो रिप्लाई रेहाना बोस ने दिया है वो आप लोग देखिएगा, मस्त वाला है। हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो बुरी लगे क्योंकि गालियां हैं। सबसे पहले तो जानी का जवाब देना चाहती हूं मैं। एक सवाल किया गया है पूरा इंस्टा की फैमिली से कि बच्चों से जिंदगी माँ बाप की होती है, माँ बाप की जिंदगी बच्चों से होती है। तो सुन जाहिल, मैं तुझे जवाब देती हूँ। पहले जिंदगी होती है बच्चों की माँ बाप से, और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर जिंदगी होती है बच्चों से माँ बाप की। तो जाहिल, तुझे कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और तेरी बात का जवाब देना इसलिए नहीं चाहती थी मैं, क्योंकि ना दाएं है ना बाएं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि पता नहीं रहता जाहिलों को, तो इसीलिए जाहिल मैंने जवाब दिया। और फिर एक काली मैना एक झोलनी, अल्लाह तो कचा मल्ला के घर तक माफी, ट्रेन में चुदाने वाली रान मुझे क्या जाहिल बोलती। तू जाहिल ले देख रान, कुत्ता भी नहीं छोड़ेगा तो उठान उठा के मुतेगा। आगे से असीन पीछे से बिगड़ी मशीन, सपाट ठेम मारो और चले जाओ, उसकी गाड़ मारो और चले जाओ। रंडी छिदाल तेरे दल्ले लोग के देख, तेरे बेटे लोग भी दल्ले लोग तेरे साथ घूमते। मम्मी 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 कोसा बेडरूम में सोएगी बुड्ढे को लेके। अरे कैसे बच्चे होंगे रे जो माँ का पलंग सजाते एक साल की शादी करके, ट्रेन में पानी की बोतल लेने का, पैसे वाला मालूम करने का। तू झोलर नहीं, देखो मलार में देख एक पाव किलो गोश्त नहीं आया रही कुर्बानी का। तेरी औकात उसी भी देखो, भैया लोग भोजपुरी पिक्चर देख देंगे तो सोचते कहा पिक्चर की टिकट डाले हो, इसी का भोसड़ा देख लेंगे हम, कैसे उदास है। रंडी मुझे क्या जाहिल बोलती, तू इंग्लिश की चौधरी कह रही, बहुत पकड़ी है पढ़ी लिखी है क्या, पैर में कोड़ वाली बीमारी की रान। पीछे का सपाट तो दिखा, आगे क्या दिखाती, साड़ी पहन के पैंट पहनी पीछे का दिखा। और मैं जर्नी तेरी गांड में डाले, तेरी जर्नी है फन्नी फिरनी, समझी क्या। रंडी मेरे को क्या बोलती थी, रान छिनाल दोनों झोलरनी बुढ़ा बुढ़ी साली अधड़ बोलती। मैं 50 साल की, अभी तो 16 साल की, 50 की भी नहीं है। गुलाब पहन के कुरान पे डालती, काबे में बोलती दिल तेरा बच्चा था, हाँ मेरा दिल सूफिया बड़े फिर क्या बोलती, बड़े फिर क्या देती ना, तेरे नकली बाल ही उखाड़ के तेरे हाथ में देती थी मैं, तेरे नकली बाल और नकली नाखून। मैं तेरे को पूछी थी क्या री धंधे वाली रांड, मैं तेरे को पूछी क्या मशवरा दे मेरे को आके, पढ़ी लिखी चौधरी पहले बच्चों को सिखा, बैंगलोर में एक बच्चा पैदा करके रखा, फिर यहाँ गुजरात नवरत को रखा, बेचारी उस छोकरी को गोलू को वापर के एक साल उसको छोड़ा, भला ये सीखा मुझे अनपढ़ बोलती जाहिल तू है जाहिल, समझी भला तेरे बच्चों को सीखा। बहुत जरूरी देखो यही आता क्या बुढ़े का ठोकने का, यही सीखी क्या तू, तू पढ़ी लिखी चौधरी अरे छिनाल बिगड़ी मशीन पीछे से। हाँ रंडी मेरे को क्या सिखाती, मैं तेरे को पूछी, इंस्टा की फैमिली तो लाइक करती, देखो इंस्टा की फैमिली क्या बोलती थी तुमका नाम, तू बहुत आली ना, आइए आप नाश्ता करेंगे, मोबाइलों से घुस के तेरा नाश्ता करेंगे आके, सब भुक्के जिनके घर में खाना नहीं बनता तेरा खाने आएंगे, मेरा ब्लॉग देखे तेरा ब्लॉग तो तबड़ा गया, समंदर भी कम पड़ेगा तेरा तो झाज है झाज। हाँ अरे मालूम मालूम है कुछ थूकता नहीं रही तेरे को, थूकता पान का के भी नहीं थूकता है, अपने आप को बताया चिटर 15 लाख लेके वो हार बना के पहनी रंडी, तू 15 लाख की भी औकात की नहीं थी, छिनाल नकली डागीरा पहनने वाली वो कांटे वाले कड़े जोधपुर में लेने वाली छिनाल, तेरी और बुड्ढे की तेरी रिकॉर्डिंग समझी, सामने वाले के पास है, अब वो भेज लेते तेरी गांड कैसी मारती देख, पीछे से तो मारने की लायक की नहीं है, पूरा भोसड़ा उदास है तेरा, तेरे चूत में आग लगे। रंडी मेरे को मत छेड़ छिनाल, बोलना नहीं चाहती तो तेरे को ट्यूशन लेने आई बोली थी क्या मेरे पास, बोलना नहीं चाहती। अरे छिनाल मेरे बच्चों से मेरी बात तेरी रान, मेरे बच्चे अपने अपने घर में है छिनाल रांड, मैं मेरे बच्चों से बात कर रही थी, दगड़ा की दक्का 12 दगड़ की 12 अरस समझी, मेरे बच्चों लोग को मैं ताकीद दे रही थी, जो मेरे बच्चे बकरा लेने के लिए नहीं ये नहीं करती ना छोटी वाली, इस बात पे मैं लड़ रही थी समझी क्या, उसको कमेंट आया था इसके लिए मैं बोली, तेरी की चूत में क्यों आग लग रही, तेरी तवे पे चूत बैठ गई क्या, जल रही नहीं क्या, फोकस हो गई क्या, वो तो बुढ़ा बोल रहा था पूरा मैदा बन गई है, मैदे को कैसे मलाऊं रिकॉर्डिंग में बताओ,
काबे पे हाथ एक बार रख दे तो मैं पैसे दे दूंगा। अरे भड़वे, पहला तेरा परिवार संभाल रहे काले डुक्कर छिनाल के बच्चे, तू एक की पैदाश कर रही है रे बुड्ढा, हजार का हुआ है तो 1 लाख की तेरी बुद्धि है, समझे? नकली धक्के, पूरी नकली दुकान, हाँ पूरी नकली दुकान, क्या बैलेटिक, फिर बाल का सीजरिंग, फिर टकले का सीजरिंग, हम तो चार बाल टकला रहेंगे, असली रहेंगे, नकली रहेंगे, हमारा देख तेरे को ज्यादा है, दिखेगा तो बिकेगा तेरा, समझी? ज्यादा तू टेंशन ले, हम लोग के तो झाक मत, झोलर झाक मत, झोलर नहीं, झोलर नहीं, ते काली मैना।